गायक भाव भाग चौथा तारीख 7/3/1909 समय सार गाथा नंबर 6 से समय सार की 6 नंबर की गाथा तो मूल आचार्य कुनकुन देव ने लिखी आज से 2000 साल पहले। उसके ऊपर 1000 साल के पूर्व अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी संस्कृति का बनाई। इसके ऊपर जो पूज्य गुरुदेव सिंह ने 19वीं बार जो प्रवचन किया है उसका ही प्रवचन अपन पढ़ रहे हैं। टीका का कुछ पोर्शन इसके ऊपर ये प्रवचन चल रहा है। टीका का पूरा पोर्शन नहीं लिए, थोड़ा पोर्शन लिए। और शिष्य का प्रश्न क्या है? समय सार की शुरुआत 6 गाथा से होती है। इसके पहले आचार्य देव सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, उसकी वंदना करने का आदि जो करके 5वीं गाथा में कहते हैं। 4थी गाथा में ये कहा कि संसार में भटकने वाले जीवों ने काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, परिचय किया और अनुभव में भी सबको है नरक द्वेष की परिणति का। लेकिन पर से भिन्न एकत्व विभक्त अपने आत्मस्वरूप उसकी चर्चा न कभी सुनी, न कभी परिचय किया, न कभी अनुभव में। इसीलिए समय सार प्रावृत के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर में जो समय का सार है, शांति का सागर है, ऐसे एकत्व विभक्त अपने गुणों से एकत्व और सारी दुनिया से अलग विभक्त जुदा अनेरा ऐसे आत्मा की बात में करूंगा, ये प्रतिज्ञा उन्होंने 5वीं गाथा में। तब शिष्य भी इतना योग्य था कि वो बोला है कि मुझे नहीं जानना है पूरी दुनिया क्या चीज है, स्वर्ग नरक मुझे नहीं जानना है, पैसा कैसे मिले और मेरा शरीर में व्याधि कैसे दूर हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप कहते हो कि उसके दर्शन मात्र से जन्म मरण का नाश होता है, तो ऐसे जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है वो मुझे जानना है, दूसरा कुछ पंचायत मेरे को नहीं करना है। तो शिष्य वहां पर प्रश्न करता है आचार्य देव को कि ऐसा आत्मा का स्वरूप क्या है शुद्ध आत्मा का, कि जिसका स्वरूप हमें जानना चाहिए तो ही हमारे दुखों का अंत आवे, तो ऐसा स्वरूप क्या चीज है, कैसा है इसका स्वरूप। इसके उत्तर में आचार्य देव की गाथा बोले और अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो टीका की है उसके ऊपर गुरुदेव के प्रवचन। ये मूल गाथा ऐसी है कि नथी अप्रमत के प्रमत नथी, जे एक ज्ञायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथा ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। शुभ अशुभ के परिणाम, राग के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम और इससे विपरीत वितरागी परिणाम, न अच्छे बुरे परिणाम ज्ञायक के हैं न वितरागी परिणाम ज्ञायक के हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञायक जो भाव है उसमें परिणमन ही नहीं है, वो जैसा का वैसा, जैसा का वैसा, उसमें परिणमन नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये बात यहाँ गुरुदेव कहते हैं प्रवचन में। गुरुदेव को बहुत महिमा आती है। किसकी महिमा आती है? वो ज्ञायक भाव की, वो शुद्ध आत्मा की, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है कि आज तक उसने अंश मात्र भी राग द्वेष के परिणाम उसने नहीं किए हैं, शुद्ध आत्मा ने नहीं किए।
और अगर वो जानने का जो उपयोग है, अगर ऐसे परमात्मा को जान लेगा, ऐसे अपने शुद्ध आत्मा को जान लेगा, तो परिणमन में अशांति खत्म हो जाएगी और अपने आप शांति आ जाएगी, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, वितरागता आ जाएगी, अप्रमत दशा प्रकट हो जाएगी। लेकिन वो अप्रमत दशा भी उस परमात्मा की नहीं है जिसका ध्यान किया गया, और जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है, मूल स्वरूप है, जो आत्मा है, उसकी वो वितरागी अवस्था भी उसकी नहीं है और रागी अवस्था भी उसकी नहीं है। कैसा अद्भुत तत्व है, ऐसा कहते हुए गुरुदेव यहां महिमा करते हैं कि हाँ, जो ज्ञायक भाव है, जो एक रूप वस्तु है, वो शुभ अशुभ भाव रूप से हुई नहीं है। जैसे घंटी गट्टी गट्टी बोलते हैं ना, गट्टी आटा चादने, उसका नीचे का हिस्सा एक ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा कभी फिरता ही नहीं है, वो एजिटिज रहता है, ऊपर का हिस्सा कभी फिरता है कभी नहीं फिरता है, जब अपने को यूज करना है तो उसको फिराते हैं, नहीं करना है तो रख देते हैं। तो ये फिरना है समझ लो अच्छे बुरे परिणाम करना, नहीं फिरना बोले तो शांत परिणाम। लेकिन वो फिरना या शांत रहना, दुखी होना कि सुखी होना, ये सब किसका काम है, ऊपर वाले एरिया का, परिणमन का। जबकि आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए, वो है शुद्ध, जिसमें कोई फेरफार नहीं होता है, जो एक रूप है। राग द्वेष के परिणाम करता था तब भी वो भगवान आत्मा ही था, पूर्ण शुद्ध था, पूर्ण पवित्र था, और अब आत्मा की नजर करने से, अनुभूति होने से, अब उसमें शांति आई, परिणाम में अशांति खत्म हो गई। तो ये शांत परिणाम, ये अप्रमत परिणमन, वो भी किसके है, शुद्धात्मा के नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा पहले से ही ऐसा का वैसा था, राग द्वेष के वक्त जैसा था वैसा ही वो निर्विकल्प अवस्था, वितरागी अवस्था हुआ तब भी वो वैसा का वैसा रहा। जैसे कि एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन बाद में उसने बहुत मेहनत की और 10-20 साल में करोड़पति बन गया, आदमी वही का वही है, पहले गरीब था अब तवंगर हो गया, पैसे वाला हो गया, लेकिन आदमी उसका नाम चेंज नहीं हुआ, उसके माँ बाप चेंज नहीं हुए, उसके भाई भतीजे चेंज नहीं हुए, वो वैसा का वैसा रहा, आदमी वही का वही है। वैसा ही समझना, आत्मा जब गरीब था या राग द्वेष वाला था तब भी वही है, और अब पैसे वाला बना, शांति मिली, तो भी वो वही के वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो है अपना असली स्वरूप जो कभी बदलता नहीं है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि ज्ञायक भाव, जो जानने वाला भाव, शक्ति है, भाव माने शक्ति, परिणाम नहीं, जो कभी बदलने वाला नहीं है, तो उसका परिणाम है, उसका परिणाम नहीं है कभी, कुटस्थ है, जड़ नहीं, चेतन नहीं, चेतन में भी होता है और जड़ में भी परिणमन होता है, दोनों में परिणमन होता है। प्रमाण का विषय लोगे तो वही आत्मा राग द्वेष करता है, वही आत्मा जानने का परिणाम करता है प्रमाण की दृष्टि से। अभी हमको शुद्ध आत्मा का नजर करनी है, क्योंकि ऐसे हमने कभी नजर नहीं की है, बिना परिणमन वाला भी आत्मा होता है ऐसा हमने कभी ख्याल में लिया नहीं है, वो नहीं लिया वही गलती हो गई है। जिस दिन वो समझ में आ जाएगा कि आत्मा में कोई परिणमन नहीं है, अच्छा बुरा कोई भाव नहीं है, वो पूर्ण वितराग है, पूर्ण पवित्र है, भगवान ही है वर्तमान में ही, वो दिन दुख दर्द का अंत हो जाएगा, तो अशांति मिट जाएगी। इसीलिए हाँ, एक समय की बात जो मलिन नहीं, मलिन ही नहीं है वो, उस समय के लिए मलिन है वो परिणमन है, और अभी मलिन नहीं है वो भी परिणमन है, मलिन है, मलिन है जिस वक्त मलिन है उस वक्त भी वो पूर्ण पवित्र है, अब मलिनता निकल गई, शुद्धता आई, उस वक्त भी वो वैसा का वैसा है, वो शुद्धता उसकी नहीं है, किसकी, त्रिकाली ध्रुव की नहीं है, वो ध्रुव है, जैसे घंटी का ऊपर का पल जो है वो घूम रहा है तब भी नीचे का तो ऐसा का वैसा वो हिलता नहीं है, और अभी समझे ऊपर का नहीं हिलता है, तो ऊपर का भी नहीं हिलता है, नीचे का भी नहीं हिलता है, लेकिन नीचे और ऊपर में अंतर है कि नहीं है, दोनों स्थिर होने पर भी, उसकी स्थिरता और उसकी स्थिरता में कितना अंतर है, वो चल करके स्थिर हुआ है जबकि ये पहले से ही स्थिर है,
अभी जो शांत हुआ है वो दुखी होकर पहले था और अब शांत हुआ है, तो अवस्था शांत हुई है। लेकिन परमात्मा को क्या असर है? परमात्मा तो पैसे पहले से जैसा था वैसा ही है, परमात्मा ऐसा का वैसा गया, हलचल बदलाव उसमें नहीं है, अवस्था में है। तो अभी इस छठी गाथा के अंदर शिष्य ने प्रश्न किया है कि वो शुद्ध आत्मा कौन है जिसको जानने से, जिसका स्वरूप जानने से, अनुभव करने से मेरे जन्म मरण का अंत है, ऐसा स्वरूप क्या चीज है? तो उसके उत्तर में आचार्य देव गाथा लिए, नति अप्रमत के प्रमत मत, जे एक ज्ञायक भाव सत्ता रूप छे, ये रीत शुद्ध कथा है, ये ज्ञात ते तो ये शक्ति रूप है, व्यक्ति रूप नहीं है। वो 1 लाख की मुड़ी फिक्स डिपॉजिट है, ब्याज है वो व्यक्त है, मुड़ी फिक्स है, मुड़ी में कोई कम ज्यादा करोगे तो नहीं होता, नहीं होता है, नहीं फिक्स है, हो गया। मिलकर दो प्रकार के स्थावर और जंगम, ये स्थावर है, ये जो रिकॉर्डी ध्रुव है वो स्थावर, ऐसा कर ऐसा, अब उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकेगा, जमीन है वो, जमीन का टुकड़ा समझ लो, जिसके ऊपर सारी नींव रखी जाती है, बंगले बनाए जाते हैं, महल खड़ा किया जाता है, लेकिन वो जमीन है, वो आधार है, शांति का मूल आधार वो है, ज्ञान का मूल भंडार वो है, वो परम तत्व है, परमात्मा है, वही मैं हूं, वो वहां अपनापन करना है। अभी अपनापन कहाँ है? शरीर में है। नहीं कर सकते जानने वाली, तो त्रिकाड़ी जो ध्रुव है उसके ऊपर नक्श नजर कौन करेगी? पर्याय अवस्था, जो पर्याय अभी शरीर को देखती है, अन्य पदार्थ को देखती है, दशा ज्ञान का उपयोग, पर्याय माने ज्ञान का उपयोग, जो दूसरों को देखती है वही दशा पलट करके दूसरों को देखना बंद करके त्रिकाड़ी ध्रुव को देखेंगी, लेकिन त्रिकाड़ी ध्रुव नहीं देखेगा त्रिकाड़ी ध्रुव को। त्रिकाड़ी ध्रुव जो भगवान है वो भगवान को नहीं देखेगा, भगवान को कौन देखेगा जिसको गरज होगी? वो गरज किसको है? भगवान को नहीं है, गरज किसको है? अवस्था को, पर्याय को है, क्योंकि पर्याय में दुख है, अशांति है, टेंशन है, उसको गरज है तो वो मेरे को देखेगी। अभी क्या करते हैं हम देखने वाले बनते हैं और परमात्मा पराया है जिसको देखना है। अब उल्टा कर दो, मैं परमात्मा हूं और वो परिणाम जो है वो मेरे को देखेंगे, तो वो परिणाम जो है वितरागी हो जाएंगे। व्यक्ति एक होने पर भी तरीका अलग है, घंटी को एक ही है ना, ऊपर वाला पड़ है नीचे वाला पड़ दोनों मिला के घंटी है, घटी, लेकिन नीचे और ऊपर में अंतर है कि नहीं है वो बात बताना है। भले एक ही है वो सब कुछ, पूरा मिला के एक ही है, परमात्मा ही है असल स्वरूप, तो परमात्मा, अवस्था तो बदलते रहती है, वो कहाँ कायम टिकती है? क्रोध भी कायम टिकता नहीं है, और क्रोध को जानने वाला ज्ञान भी कायम, वो नया नया होता है हर वक्त, वो भी कहाँ टिकता है? जो कायम चीज है वो मैं, जो अविनाशी है वो मैं, जो आवे और चले जावे वो मेरा कहाँ से होता है? किसके आधार पे रहोगे आप? अब आपको कहीं पैसा लेने जाना है लेकिन आप पहली बार जा रहे हो, तो आपको ऐसा कहा गया तो वो दुकान में जाकर पैसा लेके आओ। कौन सी दुकान भैया? तो चौक में जो गाय खड़ी है ना उसके सामने वाली दुकान, बीच बाजार में गाय खड़ी है उसके सामने जो राइट हैंड पे जो दुकान है वहां जाकर के 1 लाख रुपया लेके आओ, क्या होगा बताइए आप? हो सकता है वो एड्रेस गलत होगी, गाय तो आज यहाँ है कल हट जाएगी, उधर उधर चले जाएगी, तो क्या करोगे? स्थिर तत्व की वैल्यू है ना, 1 लाख रुपए का माल भिजाते हैं उधर, दुकान है कि नहीं है मार्केट में, CST नंबर, APGST नंबर है कि नहीं, कितने साल से है ठिकाना है, तो कल के दिन पैसा मांगेंगे तो भाग जाएगा, तो चलते हुए आदमी को कोई उधार देता है, ठिकाना है ना उसका, तो विश्वास होता है। विश्वास करने योग्य परमात्मा स्वयं है, आदर करने योग्य, भक्ति करने योग्य, सत्कार करने योग्य, अहम बुद्धि करने योग्य, श्रद्धा करने योग्य, वंदन करने योग्य, पूजा करने योग्य एक ही है, कौन? स्थिर तत्व है वो। नहीं वो तो ऐसा ही करते हो तभी ध्यान होता है, अगर मैं अवस्था हूँ, मैं देखने वाला हूँ ऐसा, तो ध्यान कहाँ से होगा? मैं आत्मा हूँ ऐसा बोलोगे तो ध्यान होगा, मैं देखो ये आत्मा को देखने वाला हूँ तो ध्यान कभी होने वाला ही नहीं। ध्यान के वक्त जिसका ध्यान लगता है और वेदन आता है वो अपने आप को ही भूल जाता है,
कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, उतना भी याद नहीं रहता है, तभी तो वेदन आता है। अगर वो अपने को याद करेगा कि मैं जानने वाला हूँ, मैं अभी आत्मा को जानने बैठा हूँ, नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, परिणाम मेरे को जानेंगे, और सारी फिक्र, जानने करने की फिक्र, ध्यान करने की फिक्र भी छोड़ देगा वो। संसार की फिक्र तो पहले ही मिट गई है, तभी तो निर्विकल्प अवस्था है, एक भी विकल्प नहीं। अब वो अपने आत्मा को जानने की फिक्र भी छोड़ करके यही तो मैं हूं ऐसा करके बैठ जाना है। यही जो मैं हूं वो जानने वाला नहीं, परिणमन नहीं, यही तो मैं हूं वो त्रिकाली ध्रुव शाश्वत, जो पहले से था, वर्तमान में और अनंत काल तक रहेगा। सबसे ज्यादा वही द्रव्य दृष्टि प्रकाश में लिखा गया है कि छठी गाथा है, उसमें आचार्य देव ने जो बात कही है कि नथी वह प्रमथ के प्रमथ नहीं है, बस सारे समय सा का सार आ गया, पूरे 415 गाथा का सार आ गया। अब कौन सी पर्याय बाकी रह गई? अच्छी पर्याय भी मैं नहीं, बुरी पर्याय भी मैं नहीं, अब कौन सी पर्याय बाकी रही? मैं पर्याय बिना का हूं, पूर्ण तत्व हूं, यही सबसे बढ़िया। तो उन्होंने बहुत तारीफ की इस गाथा की, सुगाणी जी ने, बहुत बड़ा जबरदस्त। चिंतन भी नहीं करना है, ध्यान भी नहीं धरना है, मुनि भी नहीं बनना है, केवल ज्ञान भी नहीं करना है, निरिकलता भी नहीं चाहिए, राग द्वेष नहीं निकालना है। राग द्वेष किस में है वो, मैं काय को फिक्र करूं, मैं कौन हूँ? करो, मेरे को ध्यान भी नहीं करना है। अरे मुझे मुक्त मत कहना, गाली मत देना। अगर मुझे मुक्त कहते हो तो गाली देते हो, क्योंकि मैं तो पहले से ही मुक्त था, मैं कभी जेल में कहाँ गया है, तो मेरे को बोलते हो क्या? सुने ना, कोई भी चलते हुए आदमी को अपन बोले कब छूट के आए, तो तमाचा लगा देगा। तो चार क्या समझते हो कि हम जेल जाते हैं, जेल में गए थे क्या? क्या समझ क्या रखा है हमको? ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि वो कभी जेल में गया नहीं, छूट के आने का सवाल कहाँ है। स्वभाव तो मोक्ष, पूछो मोक्ष स्वरूप, नहीं आती है बात? यही रीत थी, धर्म छे यही रीत थी, मोक्ष पूछो मोक्ष स्वरूप, वो कहीं में जात्म सिद्धि में ते धर्म थी, मोक्ष पूछो मोक्ष स्वरूप। देखो है, मुक्त को मुक्त कहना गाली है। पर्याय फंसी हुई थी, रोती थी, अब वो राजी होती है, पर्याय का गुणधर्म, मेरा नहीं, मैं तो पहले से था एज इट इज, मैं सर्व गुण संपन्न ही हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, वो बात। अरे ज्ञान उनको कोई चिंता नहीं रही किसी बात की। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञायक भाव जो एक रूप वस्तु है, पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है, वो कभी बदलती नहीं है, एक रूप रहती है, वो कभी भी शुभ अशुभ भाव रूप हुई नहीं है। इसलिए तुम अवलोकन में शुभाशुभ भावों को देख करके मेरा कर्म बंधन हो रहा है, मैं भटक रहा हूँ, ये जो आकुलता करता था, रोता था, धोता था, कोई जरूरत नहीं है। और रोने का तुमको इसलिए सिखाया कि तुमको अपने आत्मा देखने का दर्द ही नहीं होता था, इसलिए सिखाया। झूठी वेदना थी, संयोग तुमको नहीं मिलते थे तो तुम रोते थे, राग द्वेष होते थे, मेरा नुकसान होता था, ऐसे तुम नहीं रोते थे कभी, रोने रोने में फर्क है ना। संयोग का वियोग हुआ, रोना, अपनी इच्छा से नहीं चले और रोना, और राग द्वेष हो गए उसमें रोना, दोनों का अंतर हो गया ना सब्जेक्ट का। तुमको असली रोना तो ज्ञानियों ने सिखाया है कि राग द्वेष होए तो रोना, क्योंकि तुम्हारे को अशांति हो रही है। संयोग भी चले जाए तो भले ही चले जाए, वो जाने वाले ही थे एक दिन, आज नहीं रोएगा तो कल रोएगा, संयोग के पीछे पड़ेगा तो एक दिन रोने का टाइम आएगा ही आएगा, ये झूठा है। वापिस संयोग मिल जाएगा, वापिस हंसेगा, मृत्यु आएगा तो रोएगा, वापिस नया जीवन मिलेगा तो हंसेगा। ये हंसती होती फिल्म अनंत काल से चल रही है, शांति नहीं मिली अनंत काल से, उसके लिए क्या करना है? अब हंसना है न रोना है, क्योंकि हमारा स्वरूप तो दोनों से भिन्न है, जीवन और मृत्यु से हम पार हैं। जीवन और मृत्यु में भी हमारा स्वरूप कभी बदलता नहीं है, वैसी वस्तु जो परमानेंट वस्तु है वो मैं हूं। तो ये ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप में नहीं हुआ है, इसीलिए अप्रमद प्रमद ऐसे जो गुणस्थान के भेद वो ज्ञायक भाव में नहीं, परिणमन में है, अवस्था में होते हैं। लेकिन अभी बात किसकी चल रही है, अवस्था की चल रही है कि द्रव्य की चल रही है? शिष्य ने प्रश्न कौन सा पूछा है कि मेरी हालत कैसी है, वो पूछा है कि संसार में कैसे भटकना होता है वो बताइए, और संसार छूट जाता है तब कैसी हालत होती है वो बताइए, ऐसा नहीं पूछा है शिष्य ने।
वो प्रश्न किया है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और जिसको जानने देखने मात्र से अनंत संसार का नाश हो जाता है, संसार की जड़ खत्म हो जाती है। अभी विषय परिणाम नहीं है, अभी विषय ओनली द्रव्य है। परिणाम तो द्रव्य के ही है, लेकिन अभी उसमें से ध्रुव को अलग कर देना, उत्पाद व्यय को अलग कर देना है। जो नया उत्पन्न हो और नाश हो उसको बात कर दो। क्रोध हुआ और चले गया, उसको निकाल दो। ज्ञान हुआ चले गया, उसको भी निकाल दो। कौन रह गया अब? जे दृष्टा छे, जे जाने छे, अबाध्य अनुभव ए छे, ये त्रिकाली ध्रुव छठी गाथा का सार। वो दृष्टि का भी दृष्टा है क्या? त्रिकाली ध्रुव कैसा है? जे दृष्टा छे, जानने वाला नहीं है, दृष्टि जानने वाली है, उसका भी दृष्टा महाभगवान वो जीव स्वरूप है। जे दृष्टा छे दृष्टि में, तो ऐसे जो भेद हैं वो ज्ञायक स्वभाव में नहीं है, चैतन्य में नहीं है। तो श्रोता ने पूछा है कि भाई इसमें कुछ समझ में आता कि राग द्वेष करने वाला आत्मा, आप अवलोकन में बोलते थे देखो राग द्वेष कौन करता है, आत्मा करता है, और फिर आप हमारे को बोलते थे देखो कर्म बंध रहे हैं और तुम चक्कर चौरासी में बहुत भटकने वाले हो, तुम दुखी हो जाओगे। तब तो मुझे ऐसा नहीं कहा कि तुम भगवान हो, तब तो मुझे ऐसा कहा कि तुम तो अनाड़ी हो। हाँ बोले तुम ही हो, तो फिर उसको तो दर्द नहीं होता था जब मैं भगवान हूँ राग द्वेष करते हुए, मैं काहे को चिंता करूँ राग द्वेष की, तो राग द्वेष किया जाएगा, भगवान आत्मा की दृष्टि करेगा नहीं, तो उसको तो बोलते हैं भैया तुम ही राग द्वेष करते हो, क्यों अपने आप को दुखी करते हो। तब उसको फिक्र जागती है, कौन सी फिक्र? तुम्हें राग द्वेष मुझे तो नहीं करना है, मुझे नरक निगम नहीं जाना है, अब कोई रास्ता दिखाओ। और वो रोते रोते आता है, तब बोलते हैं भैया देखो ना तुम अपने स्वरूप को, देखो पहले बार देखते थे तो राग द्वेष होते थे, फिर भी तुमको फिक्र नहीं थी, भव भ्रमण बढ़ता था, तुमको कोई असर नहीं था, तुम तो आराम से नींद लेते थे, खाते थे, पीते थे। अब अवलोकन की विद्या से गए तो तुम आए रोते रोते, पंचायत बहुत सी निकल गई कि बार तुम देखते नहीं हो कौन अच्छा है कौन बुरा है, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो रोना धोना किसका है, अब इन भावों का है। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक संसार खड़ा है, तब तक नए नए कर्म बंधेंगे और चौरासी का चक्र मुझे तो नहीं करना है, अब तुम असली रोते हो। अब उस दर्द दुख दर्द को मिटाने के लिए तुम जब आए हो तब अब तुमको नया रास्ता दिखा, भैया तुम क्यों देखते हो उस खतरा कुंडी को, देखो ना तुम्हारा स्वरूप तो पवित्र है, उसने वो कहाँ राग द्वेष करता है, अवस्था में राग द्वेष है मानते हैं, लेकिन अभी तुमको सुखी होना है कि नहीं होना है, भैया जल्दी छुड़ाओ, तंग आ गया हूँ देखते देखते, और इतना दर्द लगता है। तो भैया यही तो बात, तुम्हारा दुख दर्द मिटाने की बात कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को देख लो ना, तो वो राग द्वेष करता नहीं, और ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर वही है। जब तक उसको नहीं देखोगे तब तक राग द्वेष होते रहेंगे, तुम रोकना चाहो तो भी नहीं रुक जाएंगे, रुकेंगे नहीं वो, तुम बोलो मुझे एक भी विकल्प नहीं करना है, नहीं होगा वो, विकल्प के ऊपर तेरी कोई चलती नहीं है। वही बताता है कि विकल्प तेरे से भिन्न है, शरीर के ऊपर तेरी कोई भी चलती नहीं, यही साबित करता है कि शरीर और तू भिन्न हो, अलग हो। अगर वो तेरा होता तेरी बात क्यों नहीं मानता, विकल्प तेरी, मन तेरी बात नहीं मानता है, शरीर तेरी बात नहीं मानता है, फिर क्यों इसकी फिक्र करता है? वो जैसा भाव करे वो मरेगा, तुम कैसे फिक्र करते हो? तुम जानना देखने वाले रहो ना, तुम तो जानने देखने वाले हो। तो वो आया अंदर में, अंदर में आता है उसको भगवान आत्मा के दर्शन करा दिए, देखो तुम्हारा जानने देखने वाला परिणाम वो अवस्था बदलते रहती है, और तुम त्रिकाल रहने वाले हो, जो ज्ञायक भाव हो वो तुम हो। ये अवस्था है जानने देखने वाली अवस्था है, और अशांत अवस्था है और शांत अवस्था है, वो तेरे में नहीं है, तू जैसा का वैसा त्रिकाली ध्रुव शाश्वत हो, वो बात इन्होंने कही। तो बोला फिर समझाया गुरुदेव ने आकर, कुटस्थ परिणमन नहीं है, एज इट इज रहता है, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। जैसे मैं बताऊं आपको, इसका एक दृष्टांत देवे आपको, प्रथम कुटस्थ का दृष्टांत देवे कि हम पत्ते खेल रहे थे, पत्ते कितने 52 पेज होते हैं पत्ते एवरी गेम में, और गेम में चालू गेम में भी पत्ते उधर के उधर होते रहते हैं, रमी रमते हैं 13 13 13 13 पत्ते रहते हैं,
ठीक है, पत्ते चेंज, लेकिन चेंजेस होते हैं, लेकिन पत्ते 52 का 53 होते हैं क्या, 52 का 51 होते हैं क्या? तो 52 का 53 नहीं होना, 52 का 51 नहीं होना, वो है कुटस्थपना, 52 के 52 ही रहना। स्वरूप, स्वरूप जो ओरिजिनल है संख्या, वो बदलने वाली नहीं, इधर से इधर होगा लेकिन स्वरूप नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा इंटैक्ट रहेगा अनंत काल तक। जो ही निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष, निश्चय भेद कछु नाही, भेद गिने संसार, जिन सोई है आत्मा, अन्य सोई है कर्म, कर्म कटे सो, यही वचन से समझ ले जिन धर्म का मर्म, जिन है वही आत्मा है, परम परमेश्वर है वही आत्मा है, आत्मा और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, उसमें दुख दर्द कुछ भी नहीं है। और अपने को दुख दर्द वाला मानना हो तो अपने को पर्याय दृष्टि से देखा, पर्याय को शामिल करके देख, पर्याय को बात करके देखो कैसे हो तुम, परमेश्वर ही हो, तो उसकी महिमा करोगे, उसको देखोगे तो अंत आएगा दुख दर्द का। तुम पर्याय को साथ में मिला करके अगर द्रव्य की महिमा करोगे देखने जाओगे, या पर्याय बन करके उस वेश में देखने जाओगे, कभी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम पर्यायी नहीं हो, तुम गरजवान नहीं हो, तुम तो परमेश्वर हो, परमेश्वर कभी गरजवान होता ही नहीं। तुमने अभी तक पर्याय का द्वेष धारण किया है, पर्याय का वेश उतारो और द्रव्य का वेश धारण कियो, बस इतना ही बात है, बैठक बदलने का है। यहां तक आने के बाद, अवलोकन पूरा होने के बाद, वेद ज्ञान करने के बाद, निरिकलता आने के बाद, अब बैठक बदलना है, अब पर्याय जानने वाला नहीं बनना है, क्या देखने वाला नहीं बनना है, अब क्या बनना है, जो पहले से मौजूद हूं वो मैं, तो अभी देखने वाला कौन है, वो परिणति का काम परिणति करेगी, मैं पहले से ही शांत हूं, मैं पहले से ही वितराग हूं, मैं पहले से ही परमात्मा हूं, मुझे परमात्मा नहीं बनना है, विकल्प वाली अवस्था हो चाहे निर्विकल्प अवस्था हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एजिटी जी हूं, तो वो मेरा असली स्वरूप है, वो वेद धारण करना है, जो नाटक में रोल बदलते हैं ऐसा रोल बदल देना है यहाँ पर, इसके पहले रोल नहीं बदलना, इसके पहले अगर रोल बदलोगे, विकल्प खड़े हो और रोल बदलोगे तो परेशानी हो जाएगी, विकल्प कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि तुम चिंता ही नहीं होने वाली है, लेकिन अब जब विकल्प हट जाते हैं अवलोकन से वेद ज्ञान से, तब तुमको रोल चेंज करना है, जब रोल चेंज करोगे और द्रव्य दृष्टि करोगे तब परमात्मा के दर्शन होंगे। अवलोकन से योग्यता आती है और वेद ज्ञान के अभ्यास से वो योग्यता आती है कि जिससे तुम अभी द्रव्य दृष्टि करने के लिए सक्षम हो, बस वो दोनों अभ्यास पूरे हुए और द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, फौरन तेरे आत्मा के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, मामला फिनिश, कुछ कुछ करने धरने को नहीं रहता है, अनंत काल तक कुछ करने धरने का भाव ही नहीं आता है, माइंड बिल्कुल खाली है, अब कार्य हो रहा है जड़ की, बोलने की, चलने की सब, लेकिन माइंड खाली है, माइंड में कुछ नहीं है, ये करूं वो करूं फलाना दिखड़ा कुछ भी नहीं, टेंशन ही गायब हो गया पूरा, शरीर में बीमारी आई लेकिन ज्ञानी का माइंड खाली है, जल्दी मिट जाए तो अच्छा, ये रोग मुझे हो गया है, बिल्कुल गलत, मेरे को नहीं हुआ है, बाजू में हो रहा है, पड़ोस में, शरीर में, दवा जब होने वाली होगी, लेने वाला लेगा, नहीं लेने वाला नहीं लेगा, अच्छा हो तो ठीक, नहीं अच्छा हो तो ठीक, ऐसे सारे विकल्प उसको नहीं है, निर्विकल्प है वो, क्योंकि उसको हुआ हो तो फिक्र करो ना, उसको हुआ ही नहीं तो क्या फिक्र करेगा, खा उसने अपने असली स्वरूप को जान लिया, ऐसे दुनिया भर की सारी पंचायतें होने पर भी उसको एक भी पंचायत उसको नहीं है, किसको नहीं है, जो ऐसे अशुद्धात्मा का ध्यान करता है उसको नहीं है, बिल्कुल पूरा मामला कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं यहाँ पर कि गुरुदेव के रागी देसी आत्मा नहीं, आत्मा जानने वाला, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अभी आप उल्टा कहते हो, आप कहते हो कि मित्रा की दशा भी आत्मा के नहीं, मोक्ष के परिणाम भी आत्मा के नहीं, ध्यान के परिणाम भी आत्मा के नहीं, अप्रमद दशा भी आत्मा के नहीं, अब ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम इस लाइन में इसलिए प्रवेश किए कि आपने गारंटी दिया कि आप शांत हो जाओगे, अब जब शांत दशा भी मेरी नहीं तो मेरे को क्या करने का है फिर, या फिर तो आप पहले ही बोल देना था भैया ये शांत दशा तेरी नहीं है, काय को दुखी कराया इतना, देखो ये आग देश के भाव तेरे हैं, तुम दुखी हो जा रहे, अशांत हो, अशांत क्यों कहा और तुमको शांति मिल जाएगी ऐसी लालच क्यों दिया, क्यों हैरान किया हमारे, वहां अच्छे थे अच्छे तरह,
अब यह बोलते हो शांत परिणाम भी तेरे नहीं, अप्रम दशा भी तेरी नहीं, तू तो आत्मा दोनों दशाओं से पार है। तो एक अशांत दशा मेरी नहीं वो समझ में आता है, लेकिन शांत दशा मेरी नहीं वो समझ में नहीं आता है। तो वापिस पता नहीं चलता। हम तो ये समझते थे कि राग द्वेष के परिणाम वो अशुद्ध परिणाम, वितरागी परिणाम वो शुद्ध परिणाम, और वो दोनों आत्मा के होते हैं। अब आत्मा को तो दोनों अलग कर दिया, और आत्मा शुद्ध कहते हो और ये राग द्वेष के परिणाम भी अशुद्ध, और वितरागी परिणाम निर्विकल भाव शांत भाव वो भी अशुद्ध। हम तो उसको समझ के बैठे थे, किसको शांति मिलेगी तो वो शुद्ध परिणाम। एक परमागम सार में से मैं कम से कम 100 बोल तो निकाल सकता हूँ गुरुदेव जी के। एक गुरुदेव जी ऐसा जगह जगह पे बोले हैं कि सबसे पहले ये करना है, और सभी वचन में अलग अलग है। देखो सबसे पहले क्या, अभी उसका क्रम अभी उसमें क्या है, सबसे पहले के पूरा 100 क्रम दे देना एक ही बुक के अंदर, और अभी विद्वानों को दे देना कि अभी बताइए इसमें सबसे पहले कौन है, सबसे पहले में से सबसे पहला वाला कौन है बताइए। भाई कितने उसमें 100 टुकड़े होने वाले हैं, ऐसा दिमाग खराब हो जाए। हमने तो पूछा था हैदराबाद में, हम लेक्चर करते थे तब, ओ अटक रहो पहले सबसे पहले मैं गायक कौन रखी करूँ। मैं बोला पहले ठिकाना है क्या गायक, आईना देख के पहले मैं कौन हूँ, राग द्वेष करने वाला हूँ वो पता नहीं, नहीं राग द्वेष तो मैं करता नहीं हूँ, तभी आए गाय कुछ सत्संग में। मैं तो शास्त्र पढ़ कर बिना देखे आत्मा को कहाँ देखा है कि वो राग द्वेष करता है, क्या बिना देखे ही वो शास्त्र पढ़ करके आत्मा राग द्वेष नहीं करता है। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा त्रिकाणी ध्रुव, हाँ बस यही तो परस मूड है। देखो आप सीधी बात है, इसलिए तुम नहीं आते हैं आपके पास। हम लोग बात सुनते ही पहला शब्द सुनते ही समझ गए कि इसमें कोई सार नहीं है। भागो गुरुदेव तो गुरुदेव तो द्रव्य दृष्टि करने का सिखाया, ये बात कहाँ से लाए। अवलोकन शब्द शास्त्र में कहीं नहीं, ऐसे कहने वाले हमको चैलेंज करने वाले मिले बताइए। आज उनके भी कितना पड़ रहा है कि नहीं बात आपकी सही है, समझ में आया तो बोले कि नहीं आपकी बात सही थी, हम बेकार घटाग्रह में रह गए। अभिप्राय पकड़ना चाहिए, आशय क्या है वो पकड़ना चाहिए। हम गुरुदेव से 100 बोल निकाल ले एक ही शास्त्र में से, सबका सब में पहले ये करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए। प्रथम 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 वाले में निकाल के बताऊं तो अक्कल काम नहीं करे ये लोगों, बता प्रथम। अब इनमें पहले कौन बताइए, चलो चलनी थी ना बात, चैलेंज किया था मैंने चैलेंज किया था उस बात। आप बोलते हो ये पहले, तो मैं बोलता हूँ देखो गुरुदेव यहाँ तो बोलते हैं सर्व में प्रथम ऐसा करके ऐसा लिखा है, 949 में ऐसा लिखा है, और मैंने वहां दीवार में लगवाया है आरसपण मंदिर में, हैदराबाद मंदिर में, और मैं जहाँ बैठता था इधर ही हाथ करता था सीधा सामने आता था वो। मैंने आपके प्रथम की बात जान दो, ये प्रथम देखो पहले सर्व में प्रथम वो परमागम सार निकालो, इधर लेके आओ लिखे देखो क्या बात लिखी है जबरदस्त। क्या पीछे की बात सुन करके गड़बड़ करते हैं तो ठीक नहीं है वो बात। सर्व में प्रथम क्या करना, 929 से बराबर नौ सौ के ऊपर ही है नंबर, कोई बिगड़ गया है।
सर्वप्रथम सर्वप्रथम करके आया है बात। इसमें वो बात है कि मुझे सिर्फ मेरा आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसार की दुनिया भर की चतुराई, धन दौलत इज्जत आबरू नाम धाम सगे संबंधी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा आत्मा चाहिए। ये बात उसने नक्की किया है जिसने वो सर्व में प्रथम ऐसा प्रथम में प्रथम वो शब्द लिखा है। टारगेट पहले फिक्स करना पड़ेगा, वो बात उन्होंने वहां ली है परमागम साहब ने। और ऐसी बहुत सी जगह प्रथम प्रथम है, जैसे कि 210 नंबर 218 नंबर में भी है प्रथम प्रथम, लेकिन वो सब में अलग अलग है। देखो 210 में क्या लिखा है, पहला मतलब पहले प्रथम आ श्रद्धा माँ ज्ञान माँ रुचि माँ लक्ष्य माँ आवु जाइए तो एना वीर माँ स्वभाव सन्मुख निष्पूर्णा चले। आ सम्यक दर्शन पहला नी वात छे, आज सम्यक दर्शन नो उपाय छे, बीजो कोई उपाय नहीं, इसमें प्रथम आया। और 218 में ही पहला देखो, प्रथम समझण तो करे, स्वभाव का पक्ष तो करे कि राग और निमित्त की ओर झुकने जैसा नहीं है, लेकिन स्वभाव की ओर ही झुकने जैसा है। ऐसे पहले पक्का निर्णय तो करे, निर्णय के वज्र का स्तंभ तो नाखे, ए बिना एक पगलू आगर जवा एम नथी, ये भी इसमें ही प्रथम आया। और मैं जो बोलता था वो भी प्रथम, अभी वो नंबर नहीं मिल रहा है, ये नंबर आगे पीछे है, लेकिन बात वो है कि मुझे इस दुनिया में अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे आत्मा के, बस मेरा आत्मा ही मुझे चाहिए, वो बात उसके अंदर है। नंबर आगे पीछे हुआ है, ढूंढ के बताएंगे उसमें नंबर। तो बात प्रथम प्रथम की बात चल रही है, यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि अप्रमद भी अशुद्ध परिणाम, राग द्वेष के परिणाम अशुद्ध और वितरागी शांत परिणाम अशुद्ध, ऐसा तो समझ में आया अब तक तो, मैं ऐसा समझू। अभी आपने शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है बताने को गए, आपने क्या कहा कि आत्मा जो कभी बदलता नहीं है वो शुद्ध, और राग द्वेष के परिणाम जिसमें होते हैं वो अशुद्ध, और जिसमें शांत दशा होती है वो भी अशुद्ध, ये कैसे? तो उसका गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ केम कहते भेद छे ने, केवल ज्ञान नु तेरमु गुणस्थान पण आत्मा मन थी, संवर निद्रा के परिणाम तो नहीं लेकिन केवल ज्ञान के जो पूर्ण दशा है परमात्मा दशा आत्मा में नहीं। अरे 14मु गुणस्थान पण आत्मा मन थी, गुणस्थान सब निकाल दिया, केम कहते भेद छे ने, दरेक में उदय भाव छे ने, जब ऐसा स्थिति होती है तब शरीर का निमित्त वगैरह होता है ना साथ में, अगाती कर्म चार बाकी है अभी भी उस वक्त भी। यहाँ कहते हैं कि वो ज्ञायक भाव जो शुद्ध आत्मा है वो शुभ अशुभ भाव रूप से नहीं हुआ है, इसीलिए न वो प्रमत है न वो अप्रमत है, अन तेथी ते गुणस्थान ना भेद रूप थे नथी। अने छेले गाथा 68 नंबर में जीव अधिकार अधिकार की आखिरी गाथा, ये 6 नंबर गाथा है शुरुआत की, इसकी लास्ट 68 नंबर गाथा समय सार की, उसमें तो गुणस्थान को अचेतन पर्याय कहा है, जड़ की अवस्था कही है। आ तो भाई अलौकिक बात है, एने अनंत काल में भवनो अंत आवे एवी बात जानी नहीं, उसको वहां पता ही नहीं है कहां मेरा राजा बिराजता है, कौन सी गुफा में बिराजता है, अंदर अंदर गहरी उसने कभी बात ही नहीं सुनी है। एकत्व विभक्त आत्मा की बात उसने नहीं सुनी है, काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी है, ये बात नहीं सुनी, जबकि ये तो भाव के अंत वाली चीज है ऐसा कहते हैं। हाँ भाव और भाव का भाव दोनों इसमें नहीं है, न मनुष्य नरक स्वर्ग आदि ये भी उसके आत्मा के स्वरूप नहीं है, और जिससे वो गति मिलती है ऐसे जो क्रोधादि भाव पुण्यादि भाव वो भी उसमें नहीं है, क्योंकि वो शुभ अशुभ भाव रूप नहीं हुआ है। अनादि अनंत एक रूप ऐसा जो ज्ञानमय रस चैतन्य धाममय चैतन्य रसकंदमय प्रभु
आत्मा छे ते कोई दिवस शुभ अशुभ भाव रूपे थयेल नथी। एथी प्रमत अने अप्रमत एवा गुणस्थान ना भेद एमां नथी। अवस्था को बात करके देखो, आत्मा को देखना है। न अशांत अवस्था आत्मा की, न शांत अवस्था आत्मा की। आत्मा तो जैसा है वैसा है, अर्थात ज्ञायक भाव एक रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है, गुणस्थान के भेद उसमें नहीं है। वो तो दृष्टि का विषय है, दृष्टा है वो किरण नहीं है, वो सूर्य है, चैतन्य सूर्य है। वही सुखधाम है, सुखधाम स्वयं सुख लेने को निकला है। उल्टा उल्टा नहीं हो गया है? पानी में मीन प्यासी कैसे हो सकती है? जो मछली पानी में ही है वो प्यासी कैसे रह सकती है? लेकिन हालत कैसी बनी है कि वो प्यासी है? मोहे सुनत आवे हांसी, ये बात सुनकर के मुझे हंसी आ रही है, कैसे कैसे बन सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, मैं तो एकदम, मेरा तो ऐसा एक दफे हो गया था, चश्मा पहना था और चश्मे को ढूंढ रहा था क्या, एक बार मेरा तो बना है ऐसा, ये उधर उधर ढूंढ रहा हूँ और चश्मा मेरे पास ही है, मैं आंखों से उसे देख रहा हूँ। ऐसी बातें और कुछ नहीं, सुख का सागर जो है स्वयं सुख के पीछे भाग रहा है, उधर 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 और कहीं नहीं मिल रहा है। मृग सम मृग तुष्णा के पीछे मुझको न मिली की रह, झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं, तन यौवन जीवन अस्थिर है, क्षण भर में पल भर मुरझा है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को ताल सकेगा क्या? मृत्यु के क्षण को कोई ताल नहीं सकता है। असरण मृत काया में निज जीवन हर्षित डाल सकेगा क्या? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तुष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, उसमें सुगंध आ रही है और भटक रहा है सुगंध, मन मन में भटकता है सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि खुद में से आ रही थी। बस ये हाल है इधर, स्वयं परमात्मा है और अपने को कैसा मान रहा है, भिखारी मान रहा है। अनंत निदान सुख धाम अनंत सुसंत सही, दिन रात रहे तद ध्यान में। जब ज्ञानी को पता चल गया तो वो क्या करेंगे, उसको ही देखते हैं। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रण मुंह पदते वरते जयते। ज्ञानियों को पता चल गया है कि सुखधाम मेरा किधर है। जीवन में कभी भी तकलीफ आती है और आती ही है, ऐसे प्रसंग कितने बनते हैं जो अपनी इच्छा के विरुद्ध होते हैं और जीव को तो बहुत तकलीफ होती, पीड़ा होती है, जैसा चाहता है ऐसा होता नहीं है और फिर तकलीफ, तो तकलीफ करता है तो तकलीफ होती है, तो ये जीव क्या करता है, कहाँ जाता है, बार में ठीक ठाक करने का प्रयत्न करता है, फिर नहीं होता है तो फिर और तकलीफ बढ़ जाती है तकलीफ। लेकिन कभी अपने सुखधाम को देखा क्या, ऐसे परमेश्वर कितनी देर लगेगी देखना है, उधर झुकने के बदले इधर झुकना है, एक सेकंड में शांति हो जाए, चाहे जितना सर दुखे ना, चाहे तुल्य अगर इस त्रिकाण ध्रुव को देखे तो खत्म गायब। देखो ये पांच पांडवों को हुआ था, गत सुकुमार को हुआ था ना, सगड़ी जलाई थी, सगड़ी जलाई तो ये जल खोपड़ी जल रही थी पूरी बड़बड़ अग्नि में, उन्होंने क्या किया, इस परमात्मा को देखा उसी वक्त, मालूम ही नहीं पड़ा कौन जल रहा है, और ध्यान अंदर में लगते ही जो कर्म थे वो पूरे खत्म, उपसर्ग केवली फौरन केवल ज्ञान होकर सीधा मोक्ष में खत्म, अरियंत दशा में रहना नहीं पड़ा उनको, एक सेकंड आके चले गए पड़ा गए। तेरहवा गुणस्थान एक समय, बारहवा गुणस्थान एक समय, तेरहवा एक समय, चौदहवा एक समय, तीन समय में तो सीधा लय में पहुंच गए। देखो क्या स्पीड है आत्मा की। वो ऋषभ देव भगवान 1,00,000 पूर्व तक रहे अरियंत अवस्था में, वही बाहुबली भगवान मुनिराज में अवस्था में केवल ज्ञान के पहले 1 साल तक एक ही जगह पे रहे ध्यान करते हुए, और इनका ध्यान कैसे हुआ,
मुनि ने धारण किया, गए शमशान में, ध्यान लगाए, इतने में आया ससुरा। तुमको शादी ऐसा मुनि बनना, शादी क्यों की हमारे लड़की को, काय को भाव बिगाड़ा, अब मैं तुमको मजा दिखाता हूँ करके राजकुमार था। तो शरीर पे वो अग्नि लगाया, जला दिया, आग लगा दी, अंगार जल रहे हैं, और उन्होंने कहाँ ध्यान लगाया, ये अपने सुख दम में ध्यान लगाया, आत्मा में, परमात्मा में ध्यान लगाया, बस नजर वहां झूठते ही अंदर में शांति 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 शांति, बाहर में पूरा शरीर जल रहा है, अंदर में शांति है। और हम दुखी होते हैं तो दूसरों को गाली देते हैं, वो हमको ऐसा करता है, वो हमको ऐसा, अरे भैया तुमको कोई नहीं करता है, वो गाली देने से तुम दुखी होते क्या? नहीं होते, तुम इधर नहीं देखते इसलिए दुखी हो, तुम इधर देखो ना अपने स्वरूप को, सुखदाम जो पर्याय बिना का है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, सुख का सागर धाम है, उसको देखो ना, अभी शांति हो जाएगी, एक सेकंड में शांति हो जाएगी। सातवीं नरक में यह होता है, पूर्व संस्कारी जीव को सातवीं नरक में ऐसे आत्मा का ध्यान बिना गुरु के, बिना शास्त्र वंचन के, ऐसा ध्यान हो सकता है, क्योंकि ये जो परमात्मा जिसकी हम चर्चा करते हैं वो अभी हाजिर है कि नहीं है, इस वक्त हाजिर है कि नहीं, अभी बाहर चले गए, गट्टी का पड़ नीचे का वो यही है कि बाहर चले गए, नहीं ऊपर का ही है नीचे का नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हाजिर है, वो हाजिर है, तभी तो राजदेश के परिणाम ऊपर चल रहे हैं या शांत परिणाम ऊपर चल रहे हैं, अगर वो ही नहीं हो तो किसके आधार पे फिरेगा ये चक्कर ऊपर का, वो है बोल के फिर रहा है ना। ऐसे ये जो परिणाम अभी चल रहे हैं राजदेश के, सुनने का अभाव, राग है, भक्ति है, सत्संग में बैठने का भाव, और पुण्य भाव, वो पुण्य भाव भी किसके है, वो है बोल के है, और अब पुण्य भाव नहीं होंगे और अपने आत्मा में दृष्टि लग जाएगी, वितराग भाव उत्पन्न होगा, संवर भाव उत्पन्न होगा, आश्रय भाव निकल जाएगा, तो वो है तो होगा कैसा, अदर से हो जाएगा, पहले अशांत परिणाम थे, अब शांत परिणाम, अशांत परिणाम इसलिए थे कि हम बाहर देखते थे, अभी अपने परमात्मा पर नजर डाली मानो, अशांत परिणाम हो गया, तो वो है बोल के हुआ क्या, नहीं है तो हुआ, तो वो अभी भी मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है, कि क्यों नहीं दिखता है, तो तुम देखते नहीं हो, क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि तुम्हारी नजर कहाँ है, अब वो दूसरे पे चले गई ना नजर, सुनने में चले गई, देखने में चले गई, खाने पीने में चले गई नजर, तुम उसको कहाँ देखते हो जो तेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो परमात्मा हो, उसको कहाँ देखते हो, बस जिस दिन उसको देख लोगे, ऑन द सेम मोमेंट में तुमको आनंद आनंद मिल जाएगा, आनंद के फुहारे निकलेंगे अंदर से, इतना शांति भरी पड़ी है अंदर में। ए परमात्मा की बात करते हैं, अनादि अनंत अने एक रूप है वो, जय ज्ञानमय रस, चैतन्य धाममय रस, चैतन्य रस कंडमय प्रभु आत्मा छे, ते कोई दिवस शुभ अशुभ भाव रूपे थयेल नथी, એથી કોઈ પણ ગુણસ્થાન ના ભેદ એમાં નથી, એકરૂપ છે, એ દ્રષ્ટિનો વિષય છે, તેમજ તે ગાયક ને અહીંયા ભૂતાર્થ છતો પદાર્થ કયો છે, છતો મને હાજર, ભૂતાર્થ મને હાજર, પ્રેઝન્ટ, હા ગાયક ભાવમય વસ્તુ એકરૂપ ને નિત્યાનંદ છે, તથા તે ગાયક ભાવ ગાયક ભાવ ગાયક ભાવ એમ ધ્રુવ પ્રવાહરૂપ છે, भाव कैसा है, ऊपर के परिणाम बदलते हैं, और वो ध्रुव है, 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 है। ऊपर में अशांत दशा, अशांत दशा, अशांत दशा, शांत दशा, अशांत दशा चलता है ऊपर, नीचे गायक भाव गायक भाव गायक भाव गायक भाव गायक भाव गायक भाव, घट्टी का नीचे का पल जैसा का वैसा स्थिर, ऊपर कभी घूमता है कभी स्थिर होता है, कभी घूमता है कभी स्थिर होता है, कभी गेहूं पीसता है कभी चना पीसता है, कभी कुछ पीसता है बाजरा पीसता है, और वो एजिटेट घूमता नहीं, ते ज्ञायक भाव कैसा है, ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव एम ध्रुव प्रवाह रूप से, चैतन्य पूर्ण ध्रुव प्रवाह रूप से, ये आत्मा आत्मा के तीन प्रवाह होते हैं, एक ध्रुव प्रवाह और ऊपर की सपाटी में
दो प्रभाव, एक राग द्वेष वाले और एक जानने वाले, तीन आत्मा का अर्थ हम तीन आत्मा, एक जानने वाला आत्मा, एक राग द्वेष करने वाला आत्मा और एक ध्रुव जो नीचे भगवान है जो ओरिजिनल, वो ओरिजिनल उसके आधार पे ऊपर में क्या चल रहा है, कभी मुझे ऊंचे हैं कभी नीचे हैं, कभी ऊंचे हैं कभी नीचे हैं, चढ़ा उतर है और अस्थिर भाव है, वो कभी स्थिर नहीं होते हैं। चैतन्य पूर्ण ध्रुव प्रवाह रूप से पानी नु पूर्ण एक सपाटी है चाले छे, जारे आ पूर्ण ध्रुव ध्रुव ऊर्ध्व ऊर्ध्व चाले छे, ज्ञानी ना ज्ञान मा कौन ऊर्ध्व छे, ज्ञानी के ज्ञान में खाते पीते बोलते चलते संसार की सब क्रिया करते करते कौन सा भाव ऊर्ध्व में है, ज्ञानक भाव ऊर्ध्व क्या, इसीलिए कोई भी प्रसंग बनते हैं जैसा कि बहुत खुशी के प्रसंग बनते हैं तो खुशी नहीं है, ये खुशी नहीं आती उसका कारण क्या है, ज्ञायक भाव ऊर्ध्व है। और बहुत अशुभ समाचार आते हैं तो अज्ञान दशा की आदत बस शुरुआत में ऐसा लगता है कि रोता है, एक दफे तो ऐसा बह जाता है क्योंकि आदत पड़ी है ना पुरानी, कोई डेवलप नहीं हुई है, सुनते ही शौक लगता है लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है, होता है संता का स्वरूप, मेरे में क्या बिगड़ा है, देखो वो आगे जा करके तो सुनते ही नहीं होगा, सुनते ही इतना होता है पावर, अभी वो डेवलप करना बाकी है, सोगानी जी को डेवलप हो गया था, बाकी के जो भी साधक है उसको डेवलप करना बाकी है, इसलिए सोगानी जी को भक्ति के भाव भी बटी ऐसे लगते थे, वो बात कर ली थी अपनी मल्टीपल में इनके घर पे, कि सोगानी जी में और अन्य ज्ञानी में क्या अंतर है, अन्य ज्ञानी को शुभ भाव भट्टी जैसे नहीं लगते हैं, सोगानी जी को भट्टी जैसे लगते थे, क्यों ऐसा, क्योंकि दूसरे ज्ञानी ने वो कक्षा हासिल नहीं की जो सोगानी जी की थी, बहुत आगे निकल गए, एकावतारी पढ़ने में चले गए, उनको आत्मा अपरिणामी ध्रुव के सिवा कोई बात नहीं जमती, कोई दिली देव बात करे तो उसको उड़ा के फेंक देते, घट ऐसा हटो यहां, मैं त्रिकाणी ध्रुव हूं ऐसा करता, उनकी कोई मस्ती अलौकिक थी, साधना कोई अलौकिक थी, अभी ऐसी साधना करनी बाकी है तो साधना करनी बाकी है तो फायदा कम हुआ है, देखो एक रुपये का फायदा होता है और एक लाख रुपये का फायदा होता है, एक लाख का अगर वो एक रुपये का फायदा बंद हो जाए तो कितना नुकसान, एक रुपये का, और एक लाख का फायदा बंद हो जाए तो कितना नुकसान, बड़ा नुकसान, ये जो भक्ति में जीव लगता है तब नुकसान तो है क्योंकि वो फायदा नहीं हो रहा है जो आत्मा में देने से होता है, लेकिन लाभ एक रुपये का था तो अभी नुकसान भी कितना हुआ है भक्ति में जाने से, अगर यहाँ से हट गई भक्ति में लग गया तो कितना नुकसान, एक रुपये का नुकसान, क्योंकि फायदा ज्यादा नहीं हुआ है ना ज्ञानी, लेकिन ऐसे ज्ञानी की जिसको एक लाख का फायदा हुआ है, मतलब एक दृष्टांत के रूप में लाख रुपये की कीमत नहीं है, वो अगर भक्ति में जाएगा तो कितना कमाएगा, कितनी शांति कमाएगा वो, तो उसको क्या लगता है, अरे भगवान की भक्ति पूजा में भी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जल रहा हूँ अशांति में, तो ऑर्डिनरी ज्ञानी को नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उपयोग बाहर भटकता है बहुत, थोड़ा भक्ति में आता है तो जरा उसको अच्छा लगता है, उनका उपयोग बाहर भटकता है नहीं, इधर भी नहीं जाता है अपने आत्मा को छोड़कर, खाते पीते भी वो जिमते जिमते भी कैसी मूर्ति थी, वो ध्यान की मूर्ति थी, तो उनकी ज्ञान दशा अलौकिक थी, तो उनको स्वभाव भी भट्टी जैसे लगते हैं। मुनिराज को तो एक विकल्प भी आवे ना, मैं गायक हूं ऐसा विकल्प, आग लग जाए तो क्यों आया मुझे विकल्प, सोगानी जी का एक वचन बोलूं मैं द्रव्यदी प्रकाश में, जब ध्यान से बाहर निकले तो सहज बोला गया उनसे, सारी दुनिया में मात्र मैं ही हूं और कोई नहीं, क्या बोले, जब ध्यान से बाहर निकले तो क्या देखा, ध्यान में अपने सुखधाम को देखा जिसमें कोई हलचल नहीं, ऐसे सुखधाम को देखा, तो उसको देखते तो सारी दुनिया का बांध नहीं था, शरीर है कि नहीं बांध नहीं था, क्या तो क्या बोले, सारी दुनिया में केवल एकमात्र मैं ही हूं और कोई नहीं है, फिर क्या बोले, और कोई है कि नहीं, उतना ध्यान मेरे को बाहर क्यों गया, इतना ही बोल के छोड़ देना था, सारी दुनिया में अकेला ही हूं, क्यों बोला मैं ये सब बात, देखो इनका कितना प्रभाव था,
सॉलिड है ना, ये तो कोई गलत नहीं है, जो बोले वो गलत नहीं था, लेकिन वही उनको खटका कि मैं इतना लंबा क्यों चले गया कि दूसरा कोई नहीं है, इधर नजर गई क्यों, आए कि नहीं है कोई, क्या जरूरत थी मेरे को इतना बोलने की। इसको बोलते हैं महाज्ञानी। इस काल में इस क्षेत्र में जो महाज्ञानी हुए हैं, एकावतारी हुए हैं, इसमें दो ही व्यक्ति दिखते हैं, एक कृपाल देव और एक सुगाणी देव। कृपाल देव ने बेसिक रास्ता बताया और सुगाणी ने कौन सा रास्ता बताया, मारधाड़ का रास्ता है, 1 2 3 दूसरी बात नहीं, गेट आउट, निर्विकल होना है, गेट आउट, तेरा मुंह देख के आईने में समय दस होना है, जाओ तुम्हारा काम नहीं है। वो कहने वाले भी एक थे महापुरुष, वो 1964 में गुजर गए सुगाणी जी, और 1900 में रिपोर्ट हो गए 1900 में, 1964 में सुगाणी जी, इतना अंतर रहा दोनों का 64, लेकिन दोनों इस काल के एकावतारी बने। उन्होंने 10 साल की साधना की कृपा उदय में आत्मज्ञान के बाद, उन्होंने सिर्फ 18 साल की साधना की सुगाणी जी ने, 18 साल। और जिस दिन देह छोड़ा सुगाणी जी ने, उनके हाथ में पुस्तक यही था, श्रीमद् भागवत चंद्र, देखो श्रीमद् भागवत चंद्र के लिए उनके लिए तारीफ के कोई वचन नहीं थे, इतने तारीफ करते थे सुगाणी जी स्वयं, 408 पत्र की था, बहुत तारीफ, अनेकांत पण सम्यक एकांत बिना, इसकी बहुत तारीफ करी उन्होंने, सुगाणी जी के लिए आदर्श रूप रहे कृपा उदय, जबरदस्त परिणाम सुगाणी जी का परिणाम, जब मार तोड़ दूसरी बात नहीं, दिली दब चिंतन करना कि नहीं नहीं करना, साक्षी भाव नहीं, ध्यान करना नहीं, ज्ञान करना नहीं, को कौन करेगा ये, परिणमन करेगा ना, और मैं कौन, ये हलचल किस में होगी, क्योंकि मैं थोड़ा करने वाला हूं, मैं तो भगवान हूं, करना धरना मेरे बात में नहीं है, मेरे डिक्शनरी में करना धरना शब्द निकल गया है, करना नहीं करना, धरना नहीं धरना, सब खत्म हमारा, क्योंकि मैं कृत कृत्य परिपूर्ण भगवान हूं, लिखा है निष्क्रिय हूं, परिपूर्ण हूं, कृत कृत्य हूं, ये 3 चश्मे तो हमेशा लगा के रखना, उसको नीचे नहीं उतरना, क्या निष्क्रिय वाला चश्मा लगा के रखना, निष्क्रिय कुछ करना धरना नहीं है, कर सकता ही नहीं, और परिपूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। और सेम स्टाइल थी इनकी, नवलचंद भाई की, जब हम छोटे थे तो गुरुदेव के पास आते थे पहली बार 1973 से 75 में, तो गुरुदेव का सुनना और नवलचंद भाई का सुनना और किसी का नहीं सुनना, 3 टाइम गुरुदेव और 3 टाइम वो नवलचंद भाई, दूसरा कोई नहीं, और उनकी बदायरी है मेरे पास नवलचंद भाई की, अभी बताएंगे अपन अलग से, फैंटास्टिक, वो हमको बोलते थे, हम तो छोटी उम्र में थे, बोले भगवान दर्शन करना गया था आज, हाँ को गया तुम भगवान होकर के, बोलो प्रतिज्ञा लो कल से नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलते थे हमारे को, और हम बोलते थे हाँ मैं नहीं जाऊंगा कल से, फिर देखते थे कल वो भी आते थे और हम भी जाते थे लेकिन हमको इतना पावर आता था उनसे बाहर निकले तो, बोलो नहीं जाना है, मैं भगवान हूँ, बोलो मैं नहीं जाऊंगा किधर भी, पूजा करने वाला मैं नहीं, मैं परिपूर्ण भगवान हूँ, मुझे कुछ करना धरना नहीं, बोलो अभी बोलो, हाँ पावर, जबरदस्त पावर, सॉलिड पावर, इतना जबरदस्त। और यही बात दूसरी बात, वेद ज्ञान के सिवा चैप्टर नहीं था, अवलोकन का चैप्टर उनके पास नहीं, सुगाणी जी के पास अवलोकन का चैप्टर नहीं रहता, नवलचंद भाई के पास भी नहीं था, पूजा भक्ति का कोई चैप्टर उनके पास नहीं, शास्त्र ज्ञान का कोई चैप्टर उनके पास नहीं, वो शास्त्र पढ़े तो एक लाइन पढ़े और बाजू पे रह जाए, पूरा धड़ 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 अंदर से चले, आत्मा की महिमा की बात चले, दूसरी बात नहीं चले कोई, वो नवलचंद भाई थे जबरदस्त, जो मेरे को बेसिक में उनका मिल गया, मतलब 73-75 की बात, बीच की बात, और कहीं जाते नहीं, इधर भी नहीं, यही जगह बस, वहाँ सोनगढ़ में यही जगह थी हमारी, कहीं भी मिले तो यहाँ ही मिलते और किधर नहीं मिलते, ये बात इधर की है। हवे कैसे के वड़ी जे ज्ञायक पणे जणायो ते तो तेज छे, एटले जाणनारो जणायो छे ते जाणवानी पराय कोनी छे, पोतानी छे, जाणनार जे वस्तु जणाणी छे ते पर्याय कोणी, पोतानी, ये ध्रुव की पर्याय है,
अर्थात ये पर्याय पोतानुं कार्य छे अने एनो करता कोण शिकारी ध्रुव परमात्मा आ जाणनारो एवो ध्वनि छे ने मालूम पड़ता है ना। अभी देखो आप बैठेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे तो अंदर में कोई जानने वाला है ऐसा महसूस होगा। अंदर में ये महसूस करने का काम आंख करती है, कान करता है, जीभ करती है, कौन करता है? ज्ञान स्वयं अपनी हयाती को महसूस करता है कि मैं भी कोई जानने वाला अंदर में शरीर के अंदर बैठा हूं। हाँ जाननारो एवो ध्वनि छे ने એટલે તે જાણનારો છે તેથી જાણે કે તે પરને જાણે છે એમ એને થાય છે। કેમ કે જાણનાર કયો છે ને એ આત્મા મેં જ્ઞાન નામ કે ગુણ કે અંદર સો પર પ્રકાશ શક્તિ સુખ ધામ અનંત સુસંત ચહિ દિન રાત રહે તદ ધ્યાન મહી પ્રશાંતિ अनंत सुधामय जे प्रणमु पद तेवर ते जयते प्रणमु पद तेवर ते जयते प्रणमु पद ते